आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पॉइंट। तो डेटा विजुलाइजेशन की कोर्स में हम बात करेंगे पावर पॉइंट की। जी हाँ, पावर बी आई नहीं, पावर पॉइंट की हम बात करेंगे, पीपीटी की हम बात करेंगे। और हमारे साथ जितेंद्र जी इस क्लास में मौजूद है। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है ना? चलिए, तो पावर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर पावर पॉइंट की जरूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, पहले बता दूं, जब हम MIS का कोर्स करते हैं, ये MIS पे काम करते हैं, तो पावर पॉइंट का यूज हमें बहुत कम यूज करना पड़ता है, क्योंकि तो हमारी जो रिपोर्ट्स होती है वो डायनेमिक रिपोर्ट्स होती है, और डायनेमिक रिपोर्ट को मोस्टली हम जो है एक्सेल के अंदर ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तो वहां पे क्या होता है कि हर एंगल पे हमें रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट करना पड़ता है। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं, हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो हमें अपनी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में शो करना होता है। इसका रीजन ये होता है कि जब हमारी रिसर्च, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर एक मार्केट रिसर्च दिया गया, और उस मार्केट रिसर्च की भी जो भी आपने रिसर्च किए, तो उसकी जो रिसर्च पेज है, और उनको आपको कई सारे लोगों को बीच में रिप्रेजेंट करके उनको एक्सप्लेन करना होता है, तो वहां पे एक्सेल एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक्सेल में स्लाइड्स नहीं होते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमें हमेशा अपने पीसी के साथ इंटरेक्ट करना होता है, लेकिन पावर पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। पावर पॉइंट में इंटरेक्ट करने के लिए बस एक क्लिक काफी होता है। मैं सही बोल रहा हूं सर? तो सबसे पहले हम बात आगे सीखने से पहले हम ये चीज को जानेंगे कि एक्सेल के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पावर पॉइंट का ऑप्शन दिया है, उसमें हम किस तरह की पावर पॉइंट बना सकते हैं। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो क्या होता है कि जब भी कोई हमारे पास प्रोडक्ट आता है, तो उसका यूजर मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल में एक चीज क्लियर मेंशन होता है कि इसकी लिमिटेशंस, इसका किस तरह का यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आप अगर माइक्रोवेव खरीदते हैं, तो माइक्रोवेव में उसका सेटअप मैनुअल के साथ साथ बहुत सारे डिशेस का भी मैनुअल दिया होता है, बनाने का प्रोसेस दिया होता है कि कौन सी सामग्री लगेगी, कैसे कैसे इसको तैयार करेंगे, और कैसे माइक्रोवेव या अवन में उसको बेक करेंगे। उसी तरह से पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन को खोलें, तो उसमें आपको उसके टैम्पलेट्स दिखेंगे। उस टैम्पलेट्स में बहुत सारे पहले से बनाए हुए फीचर्स आपको मिलेगा। तो कैसे, तो आप यहाँ मोर टैम्पलेट्स में होम में या फिर न्यू पे अगर आप जाते हैं, तो यहाँ नीचे बहुत सारे टैम्पलेट्स मिलेंगे, और ये टैम्पलेट्स में कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग। मान लीजिए आपको चार्ट से रिलेटेड कैटेगरी चाहिए, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे, आपको चार्ट से रिलेटेड कैटेगरी यहाँ से डाउनलोड हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट जो आते हैं वो फ्रॉम वेब से आते हैं, तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फैमिली ट्री की, ये फैमिली ट्री की बात करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है तो टाइम लेगा। जी हाँ, ये आपकी फैमिली ट्री बन गई। F5 से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है? दिख रहा है आपका फैमिली ट्री? अब इसको, अब ये तो अभी बनाया बनाया है, तो इसमें आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप अपना फोटो लगा दीजिए, यहाँ पे अपने मॉम का, यहाँ पे अपने डैड का, फिर आपके ग्रैंड माँ का, ग्रैंड पा का, ठीक है, और आपके फादर के ग्रैंड माँ ग्रैंड पा का, या आपके मदर की आ जाएगी ट्री, और या आपकी फादर की ट्री आ जाएगी, ठीक है। डाउनलोड नहीं, इसके चेंज मतलब कि आपको बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएगा, और आप अपने हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं, समझे? तो पावर पॉइंट हो या एमएस एक्सेस हो या एक्सेल हो, उसको सीखने के लिए उसकी जो टेम्पलेट्स है उसको स्टडी करना जरूरी होता है। तो अभी आपको क्या करना है कि न्यू पे जाना है, और इसके अभी तुमने एक किया, इसके आप जो है जितना हो सके 30-40-50 टैम्पलेट को डाउनलोड करें। तो इससे दो फायदा है, एक तो
उसके बारे में आपकी नॉलेज हो जाएगी। दूसरी कि आपको अगर मान लीजिए किसी ने आपको जैसे आपको किसी ने बोला फैमिली ट्री का एक स्लाइड बनाकर दिखाओ, तो आप यहाँ से डाउनलोड करते आपको पता हो जाएगा कि फैमिली ट्री का स्लाइड ऐसे बनता है। या फिर मान लीजिए ना आपको एक ये करना है मार्केट का एक रिसर्च देना है, तो मार्केट में आप सर्च कीजिए तो मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, रिटेल पिक टेक आ गया यहाँ पे, इसको क्रिएट करके डाउनलोड कीजिए। तो अगर आपको किसी ने किसी तरह की स्लाइड्स बनाने की बताया और आपको आइडिया नहीं है कि आखिर कैसा होता है स्लाइड, क्या क्या मटेरियल और किस तरह के इमेजेस उसमें डालने चाहिए, इस पर अगर कंफ्यूजन है तो यहां से आप मदद ले सकते हैं। ठीक है सर, देख रहे हैं ना सर, डिटेल में दिया हुआ है। इस चीज का एक तो एक बेनिफिट आपको समझ में आ गया कि आखिर इसका यूज क्या होता है। दूसरा, जैसे कि हम पावर पॉइंट के यूज ब्राउजर्स के लिए भी करते थे पहले, क्या था अभी बहुत सारे वेबसाइट पे चलन हो गया, हर किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो गई है, राइट। जब आज से कुछ साल पहले जाएंगे पीछे, कुछ साल क्या 20-25 साल पीछे जाएंगे, तो पहले वेबसाइट का चलन नहीं था। तो उस केस में क्या है कि हम लोग ब्राउजर से ही बनाते थे, तो ब्राउजर हमारे प्रिंट मीडिया से प्रिंट हो गया था, फिर इंटरनेट की चलन बढ़ा, लेकिन वेबसाइट का चलन नहीं बढ़ा। हमें उनको अपना टेम्पलेट्स मेल करना होता था। बहुत सारी कंपनीज की जैसे पहले जो BSNL की इंटरनेट आए थे वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करती थी, कंपनी की ईमेल आईडी प्रोवाइड करती थी, उनके पास वेबसाइट बहुत कम होते थे, तो ईमेल आईडी पे हम लोग भेजते थे। तो उस समय हम लोग हमें टेम्पलेट्स पीपीटी मिल गए जहाँ हम अपने ब्राउजर्स बना के मेल कर देते। तो पीपीटी का एक और काम होता है ब्राउजर्स बनाने के लिए, अगर किसी जैसे मुझे भी अपनी ट्रेनिंग मटेरियल भेजना है तो पीपीटी में भेजना मेरे लिए बेटर रहेगा। हम पीडीएफ में नहीं भेजेंगे या फिर किसी और वर्ड में नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मुझे एक चीज को दूसरे चीज के स्टेप के बाद दिखाना है। बात समझ गए सर? जैसे मान लीजिए कि हमें एक ही बार प्राइस नहीं दिखाना है, हमें एक एक स्टेप फॉलो करने के बाद, तो आप जैसे जैसे बटन क्लिक करेंगे आपकी स्लाइड या स्लाइड से रिलेटेड जो ये जो एनिमेशन है वो आते जाएगा, वन बाय वन आप देखेंगे। तो जो चीज आप जिस सीक्वेंस में दिखाना चाहते हैं उस सीक्वेंस में दिखाने के लिए हम पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में पीडीएफ में ऐसा नहीं हो सकता है, क्या है सर? ठीक, इसलिए हम पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जितेंद्र जी, अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप पहले न्यू पे जाइए और कम से कम 25 से 30 एग्जांपल्स को बनाए, उसको ऑब्जर्व करें।